बच्चे देख रहे हो, ये बहुत बुरी चीज है, मिले भी तो चलो जल्दी पकड़ो, जल्दी लपेट दो लपेट दो। क्या मोनिका पास से बड़ी अखीर किस्म की न्यूज देने लगा हूं मैं आपको। खोली हुई है, खोली हुई है। अबे बंद कर दी ना उसने, बंद कर दी। हाँ पूरी धूम खिलार, कितना प्यारा लग रहा था, कोई हद नहीं। मेरे बाद ये दस्ती नीचे कर दी होगी, मैं अब देखी है। गाइस आपको यही सीन दिखाना था, इसको ना पकड़ना पड़ता है, छापा मारना पड़ता है, जैसे पंजाब पुलिस छापा मारती है ना रात के 12 बजे और पता नहीं होता किसी को, वैसे हमें मारना पड़ता है। हमारा जो मोरू है ना बहुत शर्मीला है, गंदा बच्चा। कब कब तू मुंह खोलेगा तू अपनी, है कब खोलेगा तू मुंह अपनी? तू नहीं खोलनी भाई, आज गर्मी बहुत ज्यादा, मुंह खुला हुआ है इसका, हालत इसकी टाइट हुई है। और ये देखो ये किसी का पतंग आया हुआ है। शाजिल है ये किसका आया हुआ है? पतंग जेलीफिश, जेलीफिश, जेलीफिश। आज गर्मी कितनी है यार, है ना? तो भाई इसलिए मैं का साफ कर देते हैं। हाँ बहुत गर्मी है गाइस। अरे हमारे कुकड़ू प्रोग्राम का क्या साफ चाप चल रहा है? फिर चल रहे अच्छा ओके। वन एगी फ्रॉम हियर। यार एग्स हार्वेस्ट कर ले रहे थे शाजल। लूनी नहीं पीछे गंदी बच्ची। और गाइस कल हमने अपनी मोनिका बेबी का हेयर कट करवाया था, और ये देखो मोनिका बेबी कैसे बैठी है। ओहो लूना तू आ जा, तू चाटू लगा ले मुझे, हैं तू लगा ले चाटू। चलो जा मैं मोनिका बेबी दिखाता हूँ। सा लूने पीछे 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 लूना, ये देखो। हेलो मोनिका, ओ मोनिका बेबी कितनी प्यारी लग रही है यार। कुछ कमेंट्स कह रहे थे, कहते बहुत भैड़ी लग रही है, भैड़ी शैड़ी कोई नहीं लग रही है, बड़ी प्यारी है हमारी मोनिका बेबी, बहुत सुंदर लग रही है, सुंदर। आओ अब शाजल भाई बादल आ रहे हैं और ये साहब जी पतंग उड़ाने लग गया। पतंग भाई पकड़ी है मेरी। ये तुम उड़ा किससे रहे हो दिखाओ? नलकी ऊपर। कोई हाल नहीं, ये तो कपड़े सीने वाली नलकी है यार। उड़ गई यार, उड़ गई। तुझे आती है? पता नहीं उड़ कैसे गई है। ये शॉपर वाली ना, शॉपर वाली जल्दी उड़ जाती है। ओ वाह ओ, ओ। आओ वो काटा। चलो उड़ाओ 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 उड़ा। वाह बिल्कुल बंद है, बादल आ रहे हैं गाइस। मुझे लगता है कोई ना बारिश वारिश का सीन बनेगा, क्योंकि हब्स होता है पहले मुल्तान में और फिर बरसता है बादल, और टिका के बरसता है भैया। भाईजान ये पतंगे आप भी ना उड़ाया करो, बच्चे देख रहे हो, ये बहुत बुरी चीज है, मिले भी तो क्योंकि यार ये ना रोड्स पे जब लोग बाइक्स पे जा रहे होते हैं ना, तो अक्सर डोर जो होती है वो गर्दन में लग जाती है। और एक हमारे जानने वालों का लड़का था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उसकी भी डेथ हो गई थी। अंधों की तरह पतंग के पीछे भाग रहा था और वो चार दीवारी हुई नहीं हुई थी छत पे, और वो नीचे गिर गया और सर के बल गिरा था। तो यार ये दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। ओके यस। ओहो कैसी हो लूनी पटूनी मोनिका बेबी, ये देखो मैं आपके लिए शेबू शेबू लेके आया हूँ, खाओगे? खाओ ऐ तेरी का। यार कसम से कल से जबकि हमने इसकी कटिंग करवाई है ना, आप एक दफा इसको देखो क्या प्यारी लगती है, ऐ तेरी खैर। क्या मोनिका पास से ऐ तेरी, ऐसे इधर क्लीन शेव हो यू, ये यूं लग रहा है। ये खाओगे? ये देखना। ना मैं दे देता हूँ बुबू बच्चे, बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना, ये आराम, ये लेके चली जाओ, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। खा रही हो अब शेबू मजे से? तो यार आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर बताना है लाजमी कि आपको मोनिका बेबी की कटिंग कैसी लगी है। हमारी तरफ से तो यार ठीक है, हमने काफी अच्छी कटिंग करवाई है। और एक और चीज भी हम सोच रहे हैं, अभी जैसे आहिस्ता आहिस्ता मौसम गर्म होना शुरू हो गया ना, हम मोनिका बेबी की ना जिस्म पे भी जितने बाल है ना, इसको भी थोड़ा कम करवा देंगे। और अब लेके चलते हैं हम ये टब नीचे। है लूनी ले जे नीचे, हम ये टब ले जे ले जे ले जे। ओ बाश 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 यार, मूसा भाई ने ये टब नीचे मंगवाया। मूसा भाई कह रहे हैं टब नीचे लेके आओ, एक काम है करना है, मुझे नहीं पता क्या काम करना है, बस लेके चलते हैं नीचे। बल्कि रुको 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 रुको, एक मिनट टब को इधर रखो। नीचे जाने से पहले ना मैंने आप लोगों को एक चीज दिखानी है, वो देखो हमने खुद ये कल या परसों चीज नोट की है। ये देखो हमारा डक्की कैसा बन गया, मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ। ऐसे और ऐसे, ये देखना, ये क्वैकी हमारी बिल्कुल वैसी है, और डक्की को देखो
मुंह से सारा वाइट वाइट हो ही जा रहा है, अजीब सा कलर निकाली जा रहा है। पहले इतनी प्यारी इसकी यहाँ तक गर्दन जो थी पूरी ऐसे ग्रीनिश कलर की थी और ऊपर इतनी प्यारी लाइनिंग थी, अब पता नहीं इसको क्या हो गया, पता नहीं अब क्रीजों में है या किसके अंदर है, हमारी समझ से बाहर है। कहा हो गया डकी आपको, ये कैसे बन गई हो? चलो इसको बंद करते हैं, ये इंशाल्लाह हो जाएगा ठीक, और चलते हैं सीधा नीचे। मूसा भाई हेलो हेलो हेलो, ये लो क्या करना है इसका? इसको पहले धोना है। इसको धो तो लेता हूँ, नहीं वैसे क्या करना है इसका? यार इसके अंदर बिल्लियाँ जो है ना नहलानी है, आज मैंने बिल्लियाँ नहलानी है। हाँ, क्योंकि यार इनकी ना आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। ओके, लेकिन ना अब इनकी जो बदबू आ रही है, दिखाओ जरा चेक करवाओ। हाँ बदबू आ रही है, मंकी बो आ रही है, मंकी बो। चलो इसको इसके अंदर नहलाएंगे। इसके अंदर नहलाएंगे, पहले इसको साफ कर लें, उसके बाद ओके दिखाओ मैं इसको साफ कराता हूँ। खा लो पुत्री, खा लो खाना, खा लो, ले आओ टब। ओके फिट, चलो इनको उठाओ आप, मैं इसको बाहर लेके जाता हूँ। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। यार इनको इसके अंदर ना डालो, अभी जेट बॉक्स में डालो फिलहाल इनको ना। पहले ना इसके अंदर गाइस पानी भर लेता हूँ, उसके बाद जो है ना इनकी नहाइयाँ नहीं शुरू करवाएंगे। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। अच्छा गाइस जो शैम्पू हम यूज़ करेंगे ना इनके लिए वो है नो टीयर्स, और मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, मुझे कोई शाउट आउट नहीं देना किसी को, ना मैं प्रमोट करता हूँ किसी को, लेकिन आपको समझ आ गई होगी बोतल देख के कि कौन सा है। ठीक है डाल दी, ओए डरी 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 डरी। ए पहले तो पंजे पकड़ो, उसके पहले पंजे पकड़ो और बस। हाँ बुग्गा छोड़ के, बुग्गा छोड़ के इसकी डुबकियाँ लगाओ। तो गाइज ये जो शैम्पू है ना ये हम इनके लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि दिस इज़ अ नो टीयर्स शैम्पू, और ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इनकी आंखें जो हैं ऑलरेडी सेंसिटिव हैं, और अगर शैम्पू हम दूसरा यूज़ करेंगे तो आंखों में अगर चला गया तो ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए नो टीयर्स शैम्पू हम इनके लिए यूज़ करेंगे। आप अपनी बिल्लियों के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इट इज़ गुड, इसका रिजल्ट अच्छा होता है। पहले भी मैं अपने डॉग्स के ऊपर ये यूज़ कर चुका हूँ तो द रिजल्ट्स आर गुड। फुल ये अंदर निकली गया यार, बोटी निकली है। चलो अब ना ज़रा शैम्पू लगाते हैं इसके ऊपर। अच्छी आएगी फिर, अच्छी है ना, है खुशबू अच्छी है, इस शैम्पू की खुशबू अच्छी होती है, किसी बोटी निकल आई है। अच्छी तरह इसको रगड़ो, एक मिनट उल्टा करो इसको, उल्टा करो, टमी भी लगाए थोड़ा सा, टमी पे भी लगा ले, टमी पे बड़े बाल हैं उसके। नहीं जो भी है लेकिन गंदगी तो है ना टमी पे, इधर 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 चलो बाल सी, और बुगे भी कर लो थोड़े से, थोड़ा सा बुगे भी, रुको रुको रुको, ये देखो। हाँ ये वो बाल है ना, ये देखो बुगे भी लगाया मैंने, बुगा भी सारा इसका अच्छी तरह करो। चलो चलो जी गाइस शैम्पू इस पे लग गया था, पानी मारो मैं, ओके मैं पानी मारता हूँ, और ना आप जरा इसका शैम्पू उतार रहे हैं हम, अच्छी तरह इसको वॉश आउट कर दें ताकि जो शैम्पू है ना वो असल में उलझन तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मुंह पे पंजे ओके ओके कमी हुई। लग क्या रहा है ये गुड्डा? ये गुड्डी है असल में, गुड्डी अभी गुड्डा बनेगा देखना। वो ये चूहे जैसी पूंछ निकल रही है, चूहे जैसी पूंछ, ओ कान बचा हाथ। हां ऐसे बस 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 चलो चलो चलो, वेरी स्वीटी, कैसे? ओके ओके चलो जी, हो गया सारा साफ, अभी नहीं गर्दन शैम्पू महसूस हो रहा है तुम्हें? नहीं बिल्कुल नहीं, बस फिर ठीक है ख़त्म हो गया। चलो जी चलो चलो, मैं जरा ना गाइस जल्दी जल्दी टॉवल लेके आता हूँ, चलो शाह जल्दी पकड़ो जल्दी लपेट दो जल्दी जल्दी। चलो जी गाइस एक हो गया, 3 more to go, उनकी नाइयाँ नहीं करवा के फाइनल करके ना फिर आपको एंड रिजल्ट दिखाएंगे। ये क्या कर रहे हो? गोली मार दिया गाइस, ये देखो नहाने के बाद कितना प्यारा कलर निकला है छोने पोपो का, लेकिन अभी कांप रहा है तो फटाफट हम इनको ड्राई कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी ड्राई हो जाए ना, तो फिर यार कप कपी जो इनको चढ़ी हुई है ना वो खत्म हो जाएगी। जल्दी जल्दी करो शाजिर, यार हम आपको ना ये करके मिलते हैं क्योंकि इसकी आवाज काफी ज्यादा तेज है, आपको हमारी भी नहीं आएगी। हाँ इसको हम करके आपको फिर दिखाते हैं। तो गाइज हमारे गुड्डे जो है ना रुई के गुड्डे वो बिल्कुल तैयार हो गए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक जो गुड्डा है ना वो इतना ज्यादा तैयार हो गया कि उसने खाना पीना शुरू कर दिया, और दूसरा गुड्डू देखो कितना बड़ा हो गया,
सोना कितना लग रहा है ये देखो, इसको ना फिकर ना फाका ऐश कर काका वाला सीन है, इसको मैंने सुखाया है और आते ही इधर खाने पीने लग गया। वो जो तीन है ना वो उधर ही बैठे रहे हैं, वो उधर ही बैठे हैं। ये जो है ना ये वही है मेरा लाडला, जो जब मैं फीड करवा रहा हूँ तोतों को तो मेरे पास आके बैठ जाता है। माशाल्लाह से एक्टिव है। और गाइज हमारी जो हैचरी की प्रोडक्शन है ना वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब हमारे पास जगह नहीं बच रही है, हम चूज़े कहाँ पे रखें कहाँ पे ना रखें, भर गया है। अब ये परसों मैंने अखबार चेंज किया इसके नीचे का और देखो इन्होंने बिठो बिट कर दी है, मतलब कोई हाल नहीं है यार। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करिएगा, अगर ज़्यादा पसंद आ जाए तो जनाब सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मेरे हैमस्टरों का क्या सीन चल रहा है, हैमस्टर बेबीज इधर आओ, मिलते हैं अगर नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। इधर आ, इधर 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 आ, अल्लाह हाफिज़।